नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए मित्रों, आज सॉल्व करते हैं एसडी यादव का टाइप 7। टाइप 7 क्या है? भाज्यता पर आधारित प्रश्न। मित्रों, इनमें सभी क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि भाज्यता के जितने भी नियम हैं वो सारे नियम आपको पता होने चाहिए कि 2 से भाज्यता का नियम क्या है, 3 से भाज्यता का नियम क्या है, 4 से भाज्यता का नियम क्या है। ये सारे भाज्यता के नियम आपको पता होने चाहिए। देखिए मित्रों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 17*3 कामा क्या है, 3 से विभाजित हो तो स्टार का स्थान ज्ञात कीजिए। मतलब इस संख्या में जो है, यहाँ पर क्या है, स्टार 3 किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है, तो इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी यह पूछा गया है। और 3 से भाज्यता का नियम ये है कि जितने भी अंक हैं उन सभी को जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद इन सभी अंकों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, सभी अंकों को जोड़ लेना है। कितना आ जाएगा जोड़ने पर, 7, 3, 10, 1, 11 11+*3। अब आपको दिमाग लगाना है मित्रों कि इस स्टार की जगह पर क्या रख दें जिससे 3 का भाग पूरी तरह से चला जाए। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम कितना रख दें, 1, यानी स्टार की जगह पर 1 रख दें तो 11+1 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में 3 का जैसे ही भाग देंगे तो भाग चला जाएगा। इसका मतलब स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 18*4 में 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। 18*4/4। अब 4 का भाज्यता का नियम क्या है, 4 के भाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग चला जाएगा, तो वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। अब छोटी से छोटी यहाँ पर कौन सी संख्या रख दी जाए कि 4 का भाग चला जाए। तो समझ गए होंगे मित्रों आप कि यहाँ पर हम 4 रख दें तो 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी स्टार की जगह पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए था। रखने को तो हम 4 भी रख देते 2 भी रख देते, लेकिन उसने कहा है छोटा से छोटा अंक क्या होगा, इसलिए हमें मित्रों क्या रखना पड़ा, 0 रखना पड़ा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए मित्रों, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। किसमें डिवाइड करना है, 524*8। 8 से हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। 8 का भाज्यता का नियम क्या है, 8 का भाज्यता का नियम ये है कि जो 4 और 2 में भाज्यता का नियम है वही 8 का भी है, यानी अंतिम 2 संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए। अब वो अंक कौन सा रखना है, छोटा से छोटा, यानी लास्ट में हम 0 रख दें, स्टार की जगह 0 रख दें और 8 से भाग दे दें, पूरा भाग चला जाएगा, यानी स्टार की जगह पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए मित्रों। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं मित्रों, स्टार का वह छोटा से छोटा, क्या पूछ लिया, छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए। 5*6 किससे विभाजित हो, 9 से भाज्य हो, कौन सी संख्या, 5*6 उन 9 से क्या होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। अब 9 के भाज्यता का नियम क्या है मित्रों, 9 के भाज्यता का नियम भी वही है जो 3 के भाज्यता का नियम है। तो हम सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो 5 और 6 जोड़ें कितना, 11 आ जाएगा +*9। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस जगह पर कौन सी संख्या रख दें जिससे 9 का भाग पूरी तरह से पूरी संख्या में चला जाए। तो आपने सोच लिया होगा कि इस जगह पर कौन संख्या रख दिया जाए, इस जगह पर रख दिया जाए 7। इस जगह पर 7 संख्या रख दिया जाए तो 7 को 11 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, स्टार के स्थान पर 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 34*7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो, 11 से क्या हो,
भाज्य हो। अब 11 से भाज्यता का नियम क्या है, आपको 11 से भाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि सम और सम संख्याएं विषम और विषम संख्याओं को आपस में जोड़ के घटा देने पर अगर संख्या जीरो आती है तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो क्या करेंगे, 3 प्लस स्टार कर देंगे, माइनस कर देंगे 4, क्या कर देंगे 4 प्लस 7 कितना आ जाएगा मित्रों, इसको हस्तालो करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, तो देखिए मित्रों ये आ जाएगा 3 प्लस स्टार माइनस 7 4 11। अब हमें शेषफल 0 प्राप्त करना है, इस जगह पर कितनी संख्या रख दी जाए कि टोटल संख्या इससे घटाने पर 0 आ जाए। तो आप सोच सकते हैं कि इस जगह पर हम संख्या कितनी रख दें, स्टार की जगह अगर हम 8 रख देते हैं तो 8 3 11 माइनस 11 अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 0 शेषफल प्राप्त होगा। तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, स्टार के स्थान पर 8 संख्या होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मित्रों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 5 स्टार 3 457 में 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो 5 स्टार 3 4 5 7 हमने आपको बताया है कि अल्टरनेट इनको क्या कर लें, ऐड कर लें। तो 5 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा मित्रों, और माइनस कर लेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये वाली संख्याएं क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टार प्लस करके माइनस करेंगे 4 प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 10 3 13 माइनस और 7 4 11 स्टार प्लस 11। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्टार की जगह पर क्या रख दें कि 13 से घटाने पर शेषफल हमें कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी जगह पर स्टार की जगह पर हम केवल 2 रख दें और इसको हम ऐड कर देंगे तो 13 माइनस 11 और 2 कितना हो गया, 13 काट देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार के स्थान पर कौन संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या होनी चाहिए। मित्रों आशा करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।